हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर घर शिक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो और ये क्लास 8 का है, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, पहले भी पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं, है ना? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एंड दे हैव ओनली ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है। जैसे कि 2x² + 3y है, तो इसमें जो पावर्स हैं ना, दे आर नॉन नेगेटिव, यहाँ 1 है ना। अगर यहाँ y^ जैसे -1 होता है ना, या 3y^(1/2) होता, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इसे, है ना। जो भी हमारे पावर्स इन्वॉल्व हैं तो वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे 2x + 3 है या 2x² + 3 है ना, तो ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। मगर अगर 2x^-1 है या -1/2 है, +3 है, कुछ भी है, तो ये ऐसे पावर जब भी आते हैं तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ हम करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जो हाईएस्ट पावर होता है ऑफ वेरिएबल, है ना, जैसे कि 3x + 2, तो वेरिएबल क्या है इसमें? x है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है ना, x^1 प्लस मान लो 2xy भी होता, तो यहाँ पर इसका 1 है, इसका 1 है, यानी 2 हो गया दोनों मिला के, तो इसका डिग्री हो गया 2, है ना। डिग्री यहाँ 1 भी है, यहाँ 2 भी है, तो हम हाईएस्ट लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिग्री। अगर यहाँ पे x^3 होता, 3+1 कितना हो गया? 4, तो यहाँ क्या हो जाता? 4 हो जाता, है ना। इसी ढंग से हम डिग्री पता करते हैं। नाउ जैसे मान लो केवल 3 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या मानेंगे? यहाँ x^ क्या हो गया? x^ यहाँ पे 0 हो गया, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री क्या हुआ? डिग्री इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना, वही कॉमन सेंस लगाना है आपको, ठीक है। नाउ जैसे है क्वाड्रेटिक, एक तो था, ये था लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी 3 लीनियर पॉलिनोमियल, 3x है जैसे, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 3x² आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये x³ है तो क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 3x^4 है तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अपने शायद रखना है, एक तो हो गया हमारा लीनियर, फिर हो गया क्वाड्रेटिक, फिर हो गया क्यूबिक, फिर हो गया बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस ढंग के पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं। नाउ जैसे है x² + √2y, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो जरूर है, क्योंकि हमें इन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसका इवन है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, यहाँ भी है ना, 1 है, ये ऑड है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटीजर है और पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। नाउ 1/x अगर है प्लस वाई, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x^-1 हो जाएगा, +y हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, है ना। बाकी डिग्री वाला तो आप समझ ही गए, उसका एक दो मैं और एग्जांपल देखता हूँ, दे देता हूँ। जैसे है 3x^4 - 2x³y² + 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी?
यहाँ पर हाईएस्ट हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया 3 और 2 5 है ना, तो इसका डिग्री हो गया 5, हो गया 5। तो डिग्री ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आपको आना चाहिए, है ना, मतलब बड़ी बात तो है नहीं। नाउ डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड 12x³ y³ बाई 3x² y। तो पहले इसको हम डिवाइडेड बाई 3x² y करते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4, है ना, इंटू अलग करना पड़ेगा तभी तो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर पाएंगे। नाउ क्या बचा, x² × x इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x² y। तो 3 यहाँ यहाँ 3 बन जा, 3 बन जा, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है ये कट जाएगा, यहाँ वाई और ये कॉमन है, इज इक्वल टू कितना बच गया 4 एक्स वाई स्क्वायर, तो डिवाइड करने से ये आंसर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, -15a² b c³ डिवाइडेड बाय 3ab, ठीक है, -15a² b c³ डिवाइडेड बाय 3ab। तो 3 5 15 होता है, ए यहाँ पर और यहाँ पे 2 हट जाएगा, बंद हो जाएगा केवल, है बी यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -5ac³, ठीक है। तो इस ढंग से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया सिंपल डिवीजन, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, 2x⁴ +8x³ +7x² +4x +3 डिवाइडेड बाई x+3, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल बाई ए बाइनोमियल बाई यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा होता है, पहले में पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम डिवाइजर x+3 है ना। नाउ देखो फर्स्ट ये क्या है, 2x⁴, तो x इंटू क्या आएगा 2x³, है ना, तो यहाँ 2x⁴ आ गया। फिर अगला क्या है, 3 × 6x³, तो x³ के पास लिख देंगे, इनको फिर माइनस कर देंगे, ये तो माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा 2x³ आ जाएगा, बाकी को हमें वैसे ही लिखना होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +2x² क्योंकि 2x² इंटू x²³ होता है ना। नाउ 3 × 6x², यहाँ 6x² आ जाएगा, अगेन सेम मेथड, यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पे क्या है x² +4x+3 आ गया। नाउ एक्स इंटू एक्स होता है x², तो यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा, x² +3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x+3। नाउ एक्स इंटू 1 होता है x+3, यहाँ पे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो हमारा ये आ गया कोशियंट, ठीक है, और 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो इस ढंग से करते हैं, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे है x³ -4x² ठीक है +x+6 डिवाइडेड बाय x-3, ठीक है, ये करके देखते हैं, x³ -4x² + x+6 x-3, ठीक है। नाउ x² इज इक्वल टू x³ -3x² वी विल राइट इट हियर। नाउ यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, -4 + 3 क्या हो गया -x² + x + 6
माइनस एक्स, यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा प्लस 3x आना चाहिए, तो यहाँ प्लस 3x ले लो, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ माइनस 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस 2x प्लस 6, यहाँ आ गया 0, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इस ढंग से हम करते हैं डिवीजन, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें बचा हुआ। नाउ बहुत सारे ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग लगाना है, जैसे ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 बाई ए माइनस बी है, ठीक है। इसको देखते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। नाउ ये हमारा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, को भी मतलब कर सकते हैं, ये तो सेम ही रहने दो, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, बाई ए माइनस बी, तो जब हम बाई ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो इस ढंग के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे आप लोगों को बताने का कुछ मौका मिले। थैंक यू फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।